हेलो क्लास इलेवेंथ कैसे हो आप सब फ्रेंड्स आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड ये क्वेश्चन आपके एन की बुक से है एन की बुक में टोटल एटीन क्वेश्चन है जिसमें से आज हम फिफ्टीन और सिक्सटीन सॉल्व कर लेंगे उससे पहले फोर्टीन तक ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो और इसके बाद कौन सा चैप्टर क्योंकि टोटल एटीन क्वेश्चन है बाकी के जो दो बचेंगे वो आपको कल मिल जाएंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी आप मुझे बताना और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज का जो क्वेश्चन है वो मैं हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ तो जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगती है आप वो देख सकते हो स्टार्ट करते हैं नंबर फिफ्टीन निम्न लेन देनों की सहायता से अप्रैल 2017 के लिए क्रय वापसी क्रय वापसी मतलब परचेज रिटर्न की बात हो रही है आपको पता होगा कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं हमें यहाँ पे क्या बनाना है इनका जो <coughs> सॉरी जो स्टेटमेंट होता है वो बनाना है यहाँ पर ट्रांजेक्शन uh, दे रखी है पहली ट्रांजेक्शन दे रखी है वो दे रखी है पाँच तारीख को अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ हिंदी और इंग्लिश में ना थोड़ा सा फर्क मतलब ना अमाउंट में आपको कोई फ़र्क मिलेगा ना थोड़ा बहुत जो फ़र्क मिलेगा वो देखने को डेट में मिल सकता है तो आप उसको लेके कंफ्यूज मत होना जैसे यहाँ पे 2017 दे रखा है और ये टू दिया हुआ है यहाँ पर जनवरी दे रखा है और ये ट्रांजेक्शन अप्रैल में है तो इससे मतलब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो फिफ्थ पाँच तारीख को क्या बोल रहे हैं रिटर्न गुड्स टू मैसेस कार्तिक ट्रेडर्स बारह सौ रुपए उसके बाद में ने नेक्स्ट दिया हुआ है साहिल प्राइवेट लिमिटेड को पच्चीस सौ रुपए का सामान जो कि लिया गया था कभी वो वापस हो गया उसके बाद नेक्स्ट तरीका है सेवनटीन को गुड्स रिटर्न टू मैसेस कोहनूर ट्रेडर्स जिसमे की <coughs> जो आ, प्राइस दे रखा है वो दो, दो हजार रुपए दे रखा है जिस पर टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट भी था तो अगर आपने जब सामान खरीदा था उस टाइम पे आपको टेन परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट मिला था अब जब आप सामान वापस करोगे तो आपको वो डिस्काउंट भी वापस करना पड़ेगा तो इसका भी इसको भी हम नीचे जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट हमें वहाँ से लेस करके फाइनल अमाउंट कितना आएगा उसके बाद एक और नीचे एंट्री दे रखी है ट्वेंटी एट को रिटर्न आउटवर्ड टू रुपी टू मैसेज हांडा ट्रेडर्स फाइव फिफ्टी आप एक चीज़ याद रखना कि आ, अगर कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न नाम देखने को ना मिले तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि रिटर्न इनवर्ट और आउटवर्ड से जब भी परचेज रिटर्न होगा तो हम उसे रिटर्न इनवर्ट बोलते हैं और सेल रिटर्न जब सेल रिटर्न होता है तो रिटर्न इनवर्ट बोलते हैं ठीक है चलो बनाना स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न हम कब बनाते हैं जब आपने सप्लायर से आ, उधार में क्रेडिट में कोई सामान खरीदा था वो आ, आपको पसंद नहीं आया या फिर उसमें कोई डैमेज है या कोई और प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है या किसी भी रीजन से जब आप सप्लायर को वो सामान वापस करते हो उस टाइम पे क्या बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं फॉर्मेट की अगर बात करें तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है परचेज रिटर्न बुक इस वाले क्वेश्चन में जीएसटी वगैरह नहीं था इसलिए मैंने जीएसटी के कॉलम नहीं बनाया वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे अगर जीएसटी के क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे जीएसटी के कॉलम्स और बढ़ जाते हैं ठीक है थीके? बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी सेम फॉर्मेट रहता है फर्स्ट में डेट आपको समझ में आए ये है डेबिट नोट नंबर ये डेबिट नोट नंबर जो है वो आप जैसे हम इनवॉइस नंबर लिखते थे ना ये वही है इसमें क्या होता है जैसे हम एक डॉक्यूमेंट वैसे मैं थ्योरी में बता चुकी हूँ थ्योरी वाले सेशन पे फिर भी एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं डेबिट नोट नंबर में क्या होता है जब हाँ, हम किसी को सामान सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो हम क्या है एक नोट बनाते हैं जिसको हम डेबिट नोट नंबर बोलते हैं जिसकी दो कॉपियाँ बनती हैं एक कॉपी तो हम सप्लायर को दे देते हैं और जो दूसरी कॉपी होती है वो हम अपने लिए रखते हैं क्योंकि ये जो सारा कुछ होता है वो हम मतलब परचेज रिटर्न या परचेज बुक या सेल बुक जब भी बनाते हैं आपको पता है कि वो हम जो हम क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं उधार में करते हैं उनके लिए बनाते हैं तो हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा इसके लिए हम क्या करते हैं एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी हम सप्लायर को दे देते हैं तो अगर क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर दिया होगा तो वो हम यहाँ करेंगे अदरवाइज लेकिन हाँ ये कॉलम जरूर बनेगा पहली चीज दूसरी चीज ये कि इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे हम क्या है कि शॉर्ट में लिखते छोड़ देते हैं जैसे इन नंबर में भी शायद पूरा कभी कभी नहीं लिखते लेकिन वो यहाँ पर नहीं चलेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसको उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है वो क्या है नेम ऑफ द सप्लायर सप्लायर का नाम जिस जब भी हम सप्लायर का नाम आप किसी को सामान रिटर्न कर रहे हो आप गुड्स रिटर्न करोगे तो क्या करोगे जो भी सप्लायर है जिससे जिसने आपको माल दिया था सामान दिया था आप उसको डेबिट कर दोगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दोगे फिर नेक्स्ट है लेजर फोलियो और उसके बाद अमाउंट देखते हैं स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है टू जनवरी टू में तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं यहाँ पर टू जनवरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दी हुई है वो दी है पाँच तारीख की तो जनवरी फाइव डेबिट नोट नंबर इस वाले में हमें नहीं दिया है तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे उसके बाद में दिया है रिटर्न गुड्स टू मैसेज कार्तिक ट्रेडर्स बारह सौ रुपये तो सप्लायर का नाम क्या है मैसेज कार्तिक ट्रेडर्स तो इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे कार्तिक ट्रेडर्स अमाउंट कितना दिया है बारह सौ रुपए बाहर लिख देंगे अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चंस क्या है बहुत इजी होते हैं बहुत सिंपल एक सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है सिंपल सी लाइन लिखी है बस आपको वहां से फिगर्स उठाने हैं और यहाँ पे इनको लिख देना है इसलिए ये इनकी जितनी वैल्यू मतलब क्वेश्चन uh, सॉल्व तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं बट इनका जो मेन होता है वो इनका फॉर्मेट होता है तो आप लोग इनके जो कॉलम्स हैं उनको याद रखना कॉलम्स पे कोई गड़बड़ मत करना उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है दस तारीख को गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड पच्चीस सौ रुपए तो आ जाओ नीचे फिर से यहाँ पे जनवरी टेन मैसेस सॉरी मैसेस नहीं साहिल साहिल सौ दो उसके बाद में गुड्स रिटर्न को 200, 200, जो प्राइस था वो दो हजार रुपए था जिसपे से लेस टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट तो और डेट दी हुई है सत्रह तारीख जनवरी सेवेंटीन मैसेस कोहिनूर ट्रेडर्स कोहिनूर ट्रेडर्स आपको उस टाइम पर आपने जब सामान परचेज किया तो आपको कुछ डिस्काउंट मिला जब आप सामान वापस करोगे तो आपको डिस्काउंट भी वापस करना पड़ेगा तो अमाउंट कितना था अभी हम इसको अंदर ही लिख लेते हैं और फाइनल अमाउंट बाहर लिखते हैं दो हजार रुपये का प्राइस था जिसमें से आपको लेस ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट ट्रे, डिस्काउंट दिया हुआ है टेन परसेंट का टू थाउजेंड का टेन परसेंट निकालोगे तो टू हंड्रेड अब आप इसको बाहर लिख दो तो एटीन हंड्रेड इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है ट्वेंटी एट को रिटर्न आउट आउटवर्ड टू मैसेस हॉन्डा ट्रेडर्स पाँच साढ़े पाँच सौ रुपए तो यहाँ पे लिखो जनवरी डेट क्या दिया ट्वेंटी एट जनवरी ट्वेंटी एट मैसेस हांडा ट्रेडर्स फाइव फिफ्टी अब आप इसका टोटल लगा लो कौन कौन सी फिगर्स हैं हमारे पास यहाँ पे बारह सौ पच्चीस सौ अठारह सौ और साढ़े पाँच सौ और इसका टोटल अमाउंट आ रहा है सिक्स ज़ीरो फाइव ज़ीरो और यहाँ लिख दो आप परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न अकाउंट होप uh, आपको ये वाला क्लियर होगा फिफ्टीन नंबर बहुत सिंपल था जो भी मेन था बस uh, थोड़ा सा फॉर्मेट का था बाकी तो आपको पता ही ही है बहुत सिंपल था ठीक है अब हम इसके साथ में एक और बहुत छोटा क्वेश्चन था साथ में एक और सॉल्व कर लेते हैं नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो जो भी आपको सही लगे आप वो देख लेना क्या बोल रहे हैं मैसेस बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जुलाई 2017 के निम्नलिखित लेन देनों की सहायता से विक्रय वापसी अच्छा जैसे वो परचेज रिटर्न था ये सेल रिटर्न है सेल रिटर्न है तो ठीक है वैसे तो मतलब हिंदी में तो लिख ही दिया है साफ साफ और इंग्लिश में लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ट तो आप समझ जाना इसके बाद में इसमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं डेट यहाँ जुलाई दे रखी है जुलाई टू दो और यहाँ पे नवंबर 2005 इसके अलावा कोई चेंज नहीं है तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है फर्स्ट वाला दे रखा है पहली ट्रांजेक्शन चार तारीख को हो रही है मैसेस गुप्ता ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स पंद्रह सौ ऐसे ही आगे दस तारीख को दे रखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मैसेस हरीश ट्रेडर्स आठ सौ अट्ठारह तारीख को मैसेज राहुल राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर द ट्वेल्व हंड्रेड स्पेसिफिकेशन एक और नीचे ट्वेंटी एट का दे रखा है रेट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स वन थाउजेंड रुपीज अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है परचेज रिटर्न से एक तो यहाँ सेल रिटर्न बुक आ जाएगा डेट जैसे वहां था बिल्कुल वैसे ही सेकेंड जैसे उसमें डेबिट नोट नंबर होता था इसमें क्रेडिट नोट नंबर होता है ऐसे ही उसमें सप्लायर होता था लेकिन यहाँ पे कौन होता है उसमें तो आप सप्लायर को वापस कर रहे होते थे लेकिन यहाँ पर क्या है कस्टमर आ जाएगा ठीक है नेम ऑफ द कस्टमर और कस्टमर को हम क्या करते हैं क्रेडिट करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था जब आप सामान वापस कर रहे थे तो आप जो सप्लायर हो उसको डेबिट कर रहे थे और यहाँ पे क्या है कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे उसके बाद लेजर फोलियो और अमाउंट सेम है फर्स्ट वाला देख लेते हैं क्या दे रहा है चार तारीख को मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स पंद्रह सौ रुपए तो डेट में सिंपल टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव फोर नवम्बर क्रेडिट नोट नंबर नहीं है इसलिए अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं खाली छोड़ देंगे यहाँ लिखेंगे मैसेस गुप्ता ट्रेडर्स और अमाउंट जो दे रखा है वो है पंद्रह सौ रुपए फिफ्टीन हंड्रेड इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है दस तारीख को गुड्स रिटर्न फॉर मैसेस हरीश ट्रेडर्स आठ सौ दस वर मैसेस हरीश ट्रेडर्स कितना आठ सौ रुपये उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है अठारह तारीख को मैसेज राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है डेट दे रखी है हमें यहाँ पे अठारह सौ रुपये सॉरी अट्ठारह नवम्बर मैसेस राहुल ट्रेडर्स कुछ नहीं करना देखा आपने सिर्फ वहाँ से फिगर्स उठा रहे हैं और जो फॉर्मेट है उसमें पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे बारह सौ रुपये इसके बाद में एक और दे रखा है अट्ठाईस तारीख को गुड्स रिटर्न फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स एक हजार रुपए अट्ठाईस नवंबर मैसेस नहीं साहिल ट्रेडर्स केवल साहिल ट्रेडर्स वन थाउजेंड अब सेम जैसे उसमें हम परचेज रिटर्न में हम टोटल लगाते थे ऐसे यहाँ पे टोटल लगाएंगे हमारे पास चार फिगर है पंद्रह सौ आठ सौ बारह सौ और एक हजार तो ये टोटल हो गया फोर्टी फाइव हंड्रेड और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल रिटर्न अकाउंट सेल रिटर्न अकाउंट का जो टोटल है वो बैलेंस कितना है फोर्टी फाइव हंड्रेड तो होप आपको समझ आया होगा बहुत ही सिंपल है अच्छा ठीक है चलो हिंदी में भी आंसर सेम दे रखा है और इंग्लिश में भी मतलब मैंने आंसर चेक नहीं किया ठीक है फोर्टी फाइव हंड्रेड सेम आंसर हमारा भी आ रहा है होप आपको ये समझ आया होगा स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो साथ में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय थैंक यू सो मच